पीएमटी 1997 में पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन एसी सर्किट विद वोल्टेज वी एंड करंट आई द पावर डिसिपेटेड इज, पावर डिसिपेटेड की बात कर रहे हैं, एसी सर्किट कोई भी दिया हुआ है, कोई भी दिया है, सर्किट के बारे में आपसे नहीं पूछा कहा गया है, मतलब सर्किट क्या है ये बताया नहीं गया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि पावर डिसिपेशन इन एसी सर्किट का फॉर्मूला क्या होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ठीक है। अब यहां पर चूंकि जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके मदद से आपको क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन ये कह रहे हैं जैसे पहला पार्ट, इसमें एक पार्ट दिया है कि सेकेंड पार्ट से शुरू करते हैं, पहले सेकेंड पार्ट में आंसर दिया है वन अपान रूट टू वी आई, वन अपान रूट टू वी आई, एक दिया है वन अपान टू वी आई, एक में वी आई दिया है, ये ऑप्शन कैसे निकालेंगे हम, ये डिपेंड करता है कॉस फाई की वैल्यू पे। अब कॉस फाई आपको फिलहाल मालूम नहीं है भाई, फाई तो सर्किट चेंज होता रहता है ना, ये किस प्रकार के सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं ये नहीं दिया गया है ना, तो यानी कि आपके सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट तो फिलहाल एग्जैक्ट वैल्यू वाले हम नहीं बता सकते जब तक मुझे फाई ना मालूम हो। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि डिपेंड ऑन द फेस बिटवीन वी एंड आई, जी हाँ इस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब जो पावर है वो डिपेंड करता है फाई पर, ठीक है, पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब चूंकि जानते हैं अगर ये आर सर्किट होता तो फाई जीरो होता, एल सर्किट होता तो फाई 90 होता, सी सर्किट होता तो फाई 90 होता, एलसी होता तो कुछ और होता, एलआर होता तो कुछ और होता, एलसीआर होता तो कुछ और होता, आरसी होता कुछ और होता, नहीं समझे। तो अलग अलग सर्किट में, आर सर्किट में, एल सर्किट में, सी सर्किट में, एलआर सर्किट में, एलसी सर्किट में, आरसी सर्किट में और एलसीआर सर्किट में, इन सब में फाई चेंज होता रहता है, इसलिए आपका पावर किस पर डिपेंड करता है, फाई पर डिपेंड करता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू वाले हम नहीं बता सकते, हो सकता है किसी सर्किट में आंसर आता हो लेकिन फिलहाल हम नहीं बता सकते, इसलिए ये आपका पहला पार्ट इसका सही है, ठीक, ये 1997 का क्वेश्चन है।